देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। एक बहुत बड़ी विजय की ओर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बढ़ रही है। राजस्थान में महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी? महिलाओं की भागीदारी जब बढ़ेगी तो निश्चित रूप से देश की उन्नति होगी। वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है। केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के बाद में अब बीजेपी में लगातार हम कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का आना जाना बदस्तूर जारी है। हमारे साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस समय मौजूद हैं। सर, कल गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे और साफ तौर पर एक मैराथन मीटिंगों का दौर चला है। क्या कुछ संदेश इस बैठक से निकला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ हर काम के लिए हमारी प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है। पहले प्रदेश की टीम के साथ आपस में चर्चाएं हमारी हुई है और उस अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जो संगठन के बहुत बड़े जानकार भी हैं, लंबे समय तक पार्टी संगठन में भी उन्होंने काम किया है, ये हमारे प्रदेश की कोर कमेटी के साथ और बड़े वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ करके उन्होंने कई विषयों पर चर्चाएँ करी है, चाहे वो राजनीतिक, सामाजिक और चुनावी चर्चाओं से लेकर के संगठन के जो हमारे आगामी कार्यक्रम हैं, इन सब बातों को लेकर के चर्चाएं हुई है। और मैं समझता हूं कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से पार्टी के प्रत्याशियों का चयन होना है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारी टीम काम कर रही है, प्रदेश के नेता हमारे काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी विजय की ओर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बढ़ रही है। अब सबको इंतज़ार है बीजेपी की उससे पहली लिस्ट का, तो वो लिस्ट कब तक आ सकती है? देखिए, ये अभी इस बात के लिए मैं अधिकृत भी नहीं हूँ और उस टीम से मैं उसमें शामिल भी नहीं हूँ, लेकिन जल्द ही वो सूची आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जिस प्रकार से नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पेश किया गया है, तो आने वाले विधानसभा चुनावों में राजस्थान में महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही संगठन में 33% संगठन में हिस्सा महिलाओं के लिए रखा है और अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आया है वो एक बहुत बड़ा कदम भारत की उन्नति के दृष्टि से साबित होगा। आने वाले समय के अंदर विधानसभा में और पार्लियामेंट के अंदर भी इसका मार्ग प्रशस्त होगा। महिलाओं की भागीदारी जब बढ़ेगी तो निश्चित रूप से देश की उन्नति होगी। सर, महिलाओं की बात करें तो एक आखिरी सवाल है, वसुंधरा जी की भूमिका पे कई सारे सवाल मन में भी उठते हैं और राजनीतिक गलियारों की सुर्खियाँ भी बने हुए हैं, उस पर क्या कहें? देखिए, वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है और आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है और हर मुद्दों के ऊपर पार्टी के अंदर हमारी सामूहिक चर्चाएं होती है, तो जहां उनकी आवश्यकता होती है पार्टी उनसे भी चर्चा करती है। तो जिस प्रकार से हमने देखा कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के बाद में जो एक मैराथन मीटिंगों का दौर वहां पर चला है, उसके बाद में कई सारे संदेश उस बैठक से निकले हैं और जो सबसे बड़ा और जो साफ संदेश ये है कि पार्टी अब अनुशासन की उस डगर पर चलेगी जहां पर ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, पार्टी आलाकमान जो फैसला करेगी वो पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को, हर नेता को वो मानना होगा। और बहुत जल्द, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि बहुत जल्द बीजेपी की पहली लिस्ट कभी भी आ सकती है। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।